हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सअप है, हमारा वेबसाइट भी है pluspointonline.com। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कई सारे कोर्सेज हम लोग ने स्टार्ट किए, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड जैसे कई सारे कोर्सेज शुरू कर दिए, और भी नए नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल के जरिए करना है तो एक छोटा सा ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि आपके मोबाइल से डाउनलोड करना है और उसके जरिए आप ऑनलाइन कोर्स आसानी से सीख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप में से कई सारे लोगों को शायद कॉन्फिडेंट रहेगा कि मुझे मालूम है सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज़, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, कैसे काम करता है। तो इस ये जो मैं सॉफ्टवेयर का जो ये वीडियो बना रहा हूँ, खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में, या जो लोग नॉलेज है लेकिन सही तरीके से नहीं जानते कि सॉफ्टवेयर है क्या या करता क्या है या उसके प्रकार कितने हैं। तो उन लोगों के लिए ही खास ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं जानकारी के बता दूँ कि सॉफ्टवेयर को पहले मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपका शरीर है और उसके अंदर रहती है आत्मा, राइट? तो अगर आप या कोई गुजर जाता है तो एग्जैक्टली होता क्या है कि उसके अंदर शरीर रह जाता है लेकिन आत्मा नहीं रहती है, राइट? तो ये जो आत्मा है वो है आपका सॉफ्टवेयर, और जो शरीर है वो है हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर भी दो मेन हिस्से रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो हम लोग को दिखाई देता है कि काम कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको छू नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग नए सॉफ्टवेयर ज़रूर बना सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर की आत्मा जो है वो है सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास मोबाइल है और उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है मैं उड़ा दूँ, मेन जो सॉफ्टवेयर है, तो क्या मोबाइल शुरू होगा क्या? चलिए वो तो छोड़ दीजिए, कंप्यूटर के अंदर उसका मेन सॉफ्टवेयर ही ना डालूँ और कंप्यूटर को ऐसे ही खाली हार्डवेयर असेंबल करके आपको दे दूँ तो कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना वो अधूरा है। ओके, तो सॉफ्टवेयर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी कई सारे प्रकार है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। तो हार्डवेयर का तो मतलब आपको समझ में आएगा कि जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बेसिकली चार अलग अलग प्रकार रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर मैं इसका ट्री बनाने की कोशिश करूँ तो सॉफ्टवेयर के अंदर दो मेन हिस्से रहता है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी बात हो रही है। और आखिरी में लैंग्वेज ट्रांसलेशन करके दिखाई दे रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हमारे मतलब ये कैसे काम करता है या क्या काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर रहता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? मान लो आपके पास एक मोबाइल है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि अगर मैं उसके अंदर मेन सॉफ्टवेयर ही उड़ा दूँ तो चालू होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह से अगर मोबाइल के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करूँगा तो मोबाइल को मैं या जो हमारा कंप्यूटर है उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो इस्तेमाल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है वो पहला जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कैसे डाला जाता है, कितने प्रकार है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने ऑनलाइन में डाला हुआ है। लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको कि उसमें कई सारे कंपनीज है जो खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि विंडोज़ है, आर्डिनो है, लिनक्स है, रेडिट है, सूजी है, ऐसे कई सारे अलग अलग कंपनीज है जो कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और बेचती भी है। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मालूम भी रहेगा शायद विंडोज़ के विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP है, ये सब क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार है। ज़्यादातर आजकल अगर मैं एग्जांपल देने की आप अगर बात करूँ तो 99% पूरे वर्ल्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक आम यूज़र, एक आम बंदा जो यूज़ करता है, 98% के आसपास वो विंडोज़ रहता है। 2% ऐसे लोग हैं जो एप्पल का मैक ओएस यूज़ करते हैं, एप्पल लैपटॉप्स में या एप्पल कंप्यूटर्स में जो आता है।
इसके अलावा सर्वर जो रहता है, मेन मेन कंप्यूटर्स रहता है, उसके अंदर हम लोग लिनक्स का प्रयोग करते हैं। लिनक्स में भी अलग अलग प्रकार है, यूबंटू लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, सूजी लिनक्स है, आईबीएम लिनक्स है, वैसे अलग अलग प्रकार उसमें भी रहता है, लेकिन ये जनरली सर्वर्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, तो इतने सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। दूसरे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये बेसिकली इसका जो काम रहता है वो कंप्यूटर का मेंटेनेंस का काम करता है, या कंप्यूटर को एक तरीके से बोले तो संभालने का काम करता है। अगर इसके मैं प्रकार की बात करूँ या उसके सॉफ्टवेयर की मैं आपको वो डिस्कस करने की बात करूँ, तो एंटीवायरस हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डीबगिंग सॉफ्टवेयर आ गया, डिस्क क्लीनर, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, फिर स्कैन डिस्क, मेमोरी टेस्टर, फाइल मैनेजर, ये सब जो चीज़ें हैं या ये सब जो सॉफ्टवेयर के नाम शायद आप में से कई सारे लोगों ने सुना भी रहेगा या वापरा भी रहेगा, तो इन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोग कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज यानी कुछ कुछ पार्ट में मॉनिटरिंग, यानी एंटीवायरस जो मॉनिटर करता है कोई वायरस तो आ गया नहीं है, उसको निकाल देने का काम करता है, मेंटेनेंस करने का काम कर सकते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के जरिए, एनालिसिस मॉनिटरिंग, ये सब जो काम होता है ना एक तरह से कंप्यूटर को जो संभालने का काम करता है सॉफ्टवेयर के जरिए और सॉफ्टवेयर के लिए, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, अगर मैं उसमें बात करूँ तो ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि एक आम यूज़र, अगर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पास मुझे एक कंप्यूटर ख़रीदना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या उससे मुझे कोई लेना देना आमतौर पर नहीं रहता है। कुछ कुछ यूज़र के लिए मायने रहता है, लेकिन कुछ कुछ यूज़र से कोई मायने नहीं रहता है, वो खुद का एक सॉफ्टवेयर ही वापरना चलाते हैं। बेसिकली अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसमें दो अलग अलग प्रकार है, एक जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन और एक स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन। जनरल पर्पज़ का मतलब क्या होता है, जनरली हर कंप्यूटर में रहता है उसको जनरल पर्पज़ कहते हैं। जैसे कि मैंने VLC प्लेयर डाल दिया, VLC प्लेयर आमतौर पर जो मूवीज़ वगैरह देखने के लिए काम करता है, या कुछ गाने वगैरह प्ले करने के लिए काम करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, बिजनेस रिलेटेड छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब जो चीज़ें रहती है वो आमतौर पे या तो विंडोज़ जब भी हम लोग डालते हैं उसके साथ ही आ जाते हैं, आमतौर पे उसके साथ ही आता है, जैसे पेंट ब्रश वगैरह उसके साथ ही आ जाता है, तो उसको हम लोग जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि स्पेशली कोई चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। अभी जैसे कि टैली, तो उसके अंदर अकाउंटिंग का ही काम होता है, और एक आम बंदा जो रहता है अगर वो दुकान का काम करता है या दुकान का अकाउंटिंग का काम करता है तो टैली खरीदता है, राइट, उसको कंप्यूटर से कुछ मालूम भी नहीं रहेगा लेकिन उसको टैली चलाना परफेक्ट करता रहेगा, तो उसको हम लोग बोले कि स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। या कोई बंदा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो वो सब जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बोले कि स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जानकारी के लिए बताओ, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर के भी कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर, तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक सॉफ्टवेयर और एक बेसिक यानी एक जो कॉमन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और एक है स्पेशल पर्पज़। तो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, वो सब बेसिक सॉफ्टवेयर माना जाता है, या एक एक तरह से जनरल सॉफ्टवेयर माना जाता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स है, जीमेल है, या कुछ पर्टिकुलर ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं जनरल या स्पेशल सॉफ्टवेयर भी आप कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कभी इंस्टॉल करते हैं आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है उसके बाद ही हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले कंप्यूटर में हार्डवेयर होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, और उसके ऊपर जो बैठता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर जब भी मोबाइल खरीदते हो तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीलोडेड आता है, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह आप डालते हो ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद मेन जो चीज़ है सॉफ्टवेयर के अंदर वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें दो प्रकार रहते हैं, पहले तो मैं बता दूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। मैं आपको एक जानकारी के बता दूँ कि कंप्यूटर की जो भाषा रहती है वो मैकेनिकल कोड रहती है, यानी कंप्यूटर को खाली जीरो और वन ही खाली समझ में आता है, लेकिन हमको तो इंग्लिश में दिखाई देता है या हिंदी मराठी में, जो भी आपको वीडियोस में भी ये देख रहे हैं तो आपकी भाषा में सुनाई दे रहा है, आपकी भाषा में दिखाई दे रहा है, तो लेकिन कंप्यूटर को तो जीरो और वन ही खाली समझ में आता है, तो ये हुआ कैसे। तो बेसिकली उसके पीछे जो रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही कमाल है कि जो ट्रांसलेट करती है उसकी भाषा को हमारी भाषा में, या हमारी भाषा को उसकी भाषा में।
देखिए प्रोग्रामिंग करते जब भी कोई भी प्रोग्रामर जो रहता है एक नया कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश करता है, तो वो दो प्रकार से कर सकता है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग और एक लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो जिसकी जो टाइपिंग की लैंग्वेज है वो आम यूज़र को समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए, कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए ये जो आपने शायद देखा रहेगा सी प्रोग्रामिंग में या HTML में, ये जो आपको दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है हिस्ट्री बैक फंक्शन, इफ का फंक्शन यूज़ किया है, एल्स का फॉर्मेट, ये सी प्रोग्रामिंग का पूरा पार्ट है जो कि ऑनलाइन में हमारा मौजूद ही है। तो ये जो है वो एक हाई एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। और दूसरा आता है एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज लैंग्वेज का मतलब ये ऐसा होता है थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा लैंग्वेज आता है, मशीन लैंग्वेज जिसको हम लोग बोल सके, और जिसमें आमतौर पे सिंटेक्स का प्रयोग होता है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि 1010 का प्रयोग होता है, या इस तरीके से देखो आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस प्लस एट द रेट ऑफ -932, -B/SCR/VM/State, तो ये अजीब सा लैंग्वेज है, राइट। आमतौर पे बहुत सारे लोगों को शायद समझ में भी ना आए कि ये लैंग्वेज क्या करते हैं या क्या हो रहा है उसके अंदर, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। हालांकि अगर मैं दोनों के फायदे की बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज को बनाने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा स्लो रहता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का कैसा होता है कि हम लोग ने कंप्यूटर की भाषा में उसको बनाया हुआ है, तो कंप्यूटर की भाषा में बनाया हुआ तो फास्ट प्रोसेस करेगा, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा स्लो काम करेगा एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो दोनों में जनरली डिफरेंस होता है, लेकिन एक अभी जो चल रहा है मार्केट में एम्बेडेड सिस्टम्स या जो भी चीज़ है वो सब में हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग होता है, यानी सी या जावा ऐसे ही सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करके कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये है डिफरेंस, मतलब ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन की। अभी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने तो एक प्रोग्राम बना दिया, लेकिन ये एक आम यूज़र को कैसे दिखाई देगा या कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है या क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, सी सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो वो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। ओके, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन एवरी डे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर द मोस्ट फंक्शंस फ्रॉम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो डेली लाइफ में, या आप अगर मोबाइल को डेली लाइफ में ऑपरेट करते हो, तो ये फंक्शन आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। ओके, तो कंपाइलर जो रहता है या इंटरप्रेटर जो रहता है या असेंबलर जो रहता है, वो ये तीनों जो काम होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है आपके लिए। पहले मैं कंपाइलर्स की बात करूँ, तो कंपाइलर्स इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन टू हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज और अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो मतलब क्या होता है कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अगर आपने सी प्रोग्रामिंग किया हुआ रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि कंपाइलर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है और उसको आप ट्रांसलेट करते हो कंप्यूटर की भाषा में या दूसरे कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ओके, फिर इंटरप्रेटर क्या रहता है? इंटरप्रेटर डायरेक्टली एक्सक्लूड अ प्रोग्राम रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटर्स इज़ वन ऑफ द फेमस इंटरप्रेटर। इसका मतलब कैसा होता है कि पाइथन जो सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता दूं कि ये पाइथन का जो इस्तेमाल होता है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, वो AI के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करता है। AI का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी भाषा को समझ पाए। ओके, एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक एक तरीके से इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है आमतौर पे उसको प्रोग्राम बनाना, और एक बार बनाने के बाद वो सक्सेसफुली और आसानी से कंप्यूटर समझ सकता है कि आपने क्या लिखा है, तो कंप्यूटर को समझाने वाली भाषा में उसको कन्वर्ट कर देना। ओके, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। और असेंबलर का मतलब क्या होता है? असेंबलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल रहती है, मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि ये जो रहता है असेंबली लैंग्वेज है, आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है असेंबली लैंग्वेज है, अजीब सा कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड यानी 0101 में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो असेंबली लैंग्वेज करता है। देयर आर ऑल्सो
डिस असेंबलर विच डू द रिवर्स ऑपरेशन, यानी अगर मशीन कोड आ रहे हैं तो उसको मैकेनिकल भाषा में या असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने का भी काम कुछ असेंबलर करते हैं। माइक्रो असेंबली इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट इन माइक्रो प्रोग्राम्स। ओके, तो ये जो तीन प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है कि एक तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना, या कंप्यूटर की भाषा ही है तो उसको कंप्यूटर को आसानी से समझ में इस तरीके से बनाया गया। ये असेंबलर का मतलब है आपने अगर कोई असेंबली कोड लिखा हो तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, या मशीन कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करना, तो ये ट्रांसलेटर का काम करता है। और ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये आमतौर पर आपको दिखाई नहीं देती है, ये आपके सॉफ्टवेयर के भीतर होता है, यानी कि अंदर ही होता है। आपने कोई एक चीज़ समझो क्लिक की तो उसके बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो ये है कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो दोस्तों ये थे अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्रकार। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं वापस हाजिर होगा, तो उसके लिए प्लीज़ आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कोई नए टॉपिक के साथ मैं वापस मिलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।